सर, जिस बीजेपी ने केदारनाथ पिक्चर जो सुशांत सिंह की थी उसको बैन किया था, उसी बीजेपी ने सुशांत सिंह के नाम पे पोस्टर लगा रही है, क्या सुशांत सिंह पार लगाएंगे बिहार में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बिहार के एक लाल था सुशांत सिंह राजपूत, उसके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ना तो मेरी काम है, लेकिन विकास मेरा मुद्दा रहेगा बिहार। सर, पिक्चर भी तो लाल की ही थी ना, केदारनाथ पिक्चर को बैन किया गया। चलिए, उस समय की परिस्थिति थी, वैसा किया गया। बीजेपी परिस्थितियों के अधीन करती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंगना रनौत सर, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? अच्छा नहीं हो रहा है उनके साथ। आने वाले समय में मुख्य चेहरा होगी क्या कंगना रनौत? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में चेहरा का अभाव है ही नहीं। बीजेपी में वर्कर कोई बन सकता है, कोई आ सकता है, लेकिन बीजेपी में नेताओं की और चेहरा की कमी नहीं। महाराष्ट्र को कहा कि पीओके है, पाकिस्तान है, आप लोग उसको जाय ठहरा रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही? ना ना, ऐसा नहीं है। यह संसदीय भाषा अगर बोलेंगे तो उनके साथ हम लोग नहीं है। बीएमसी ने पहले भी कार्रवाई की है, कपिल शर्मा पे, शाहरुख खान पे, तमाम पे कार्रवाई हुई, उसमें बीजेपी नहीं हल्ला कर रही थी, इस बार हल्ला हो रहा है क्यों? ऐसा नहीं है, बीजेपी सही दिशा में काम करती है, सही दिशा में काम करती है। घर में 5 भाई होते हैं, अपने अधिकार के लिए आपस में दबाव एक दूसरे पर बनाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक उसी तरह पार्टी भी 3-4 लोगों का गठबंधन का है तो अपने अपने दबाव बनाते हैं कि सीट शेयरिंग के लिए कि अधिक सीट मुझे मिले। ये अंत तक सब कला समाप्त हो जाती है और एक मंच पे आके सब लोग चुनाव। लोजपा निश्चित रूप से गठबंधन में रहेगी। रघुवंश बाबू ने आरजेडी को छोड़ दिया है, क्या लगता है? देखिए, वो आरजेडी का आंतरिक मामला है, वो आरजेडी के प्रमुख लोग जाने और उनकी व्यवस्था जाने। प्रसाद सिंह जी अच्छे नेता थे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। जो मान सम्मान उनको आरजेडी में मिलना चाहिए नहीं मिला है और उम्र भी एक तकाजा है, उम्र के हिसाब से अपना। लेकिन सर, ऐसा क्यों बिहार में हो रहा है कि जो भी दूसरे दल के नेता आ रहे हैं वो दूसरे पार्टी जदयू का तो साथ जाना चाहते हैं लेकिन आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? आप लोगों का सिद्धांत पसंद नहीं है क्या लोग? ऐसा नहीं है। यहाँ बीजेपी में इतने पहले से ही नेता बैठे हैं कि एक मंडल अध्यक्ष को भी जिम्मेवारी दे दीजिएगा चुनाव लड़ने का तो भी चुनाव लड़के जीत जाएगा। इसलिए इसमें लोगों का आना और जाना कोई जरूरी नहीं है। लोग आए नहीं आए, यहाँ कर्जकर्ता और नेता के अभाव। 2015 में तुमने जीती है सर। अरे देखिए, एक संजोग है, परिस्थिति है, 2015 की एक परिस्थिति थी, आज परिस्थिति बदली हुई है। देखिए, ये तो उच्च स्तरीय नेता, बड़े जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, नीतीश जी का मामला है, सुशील मोदी जी का मामला है, वो लोग उनसे पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। इस पर कोई मैं टिका टिप्पणी नहीं करूंगा। माना जाए थोपने की राजनीति, मैं कुछ भी इस पर टिका टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, आप लोग हर बार नीतीश के ही नाम लेते हैं, आपके बड़े नेता हो नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह हो, तो क्या नीतीश जी ने यह पार लगाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, मोदी जी ने तो देश लेवल पर बहुत मजबूती से काम किया है, अमित शाह जी ने काम किया है। बिहार लेवल की आप बात पूछ रहे हैं इसलिए बिहार लेवल का नाम मैंने रखा। नीतीश कुमार के ही सहारे पार्टी है? ऐसा नहीं है, मैंने तो कहा कि पूरे देश लेवल पर की बात अगर करते हैं तो मोदी नेता नहीं है, विश्व के नेता है। और अमित शाह जी का कोई जवाब नहीं है, जेपी नड्डा जी का कोई जवाब नहीं है, राजनाथ सिंह का कोई जवाब नहीं है, बावजूद बिहार का बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों आदमी की शक्तियां एक सम्मान एक साथ होगा और तब हम लोग चलेंगे। थैंक यू।